इरकोन, इसमें भी आज हमें एक इनसाइड बार देखने के लिए मिल रहा है वीकली चार्ट में भी, और अगर डेली चार्ट में देखें तो इनसाइड बार का एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो स्टॉक का मोमेंटम काफ़ी अच्छा है और स्टॉक ने काफ़ी टाइम बाद अपना ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन तोड़ा था, तो अभी स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है और इनसाइड बार ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो इसमें मोमेंटम मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। जी, तो अच्छे वॉल्यूम्स और अच्छा मोमेंटम इक्वन इंटरनेशनल। करना क्या है मैम, यहाँ पे खरीदना है या थोड़ा वेट करना है या क्या, जी कैसे? बिल्कुल, बाय कर सकते हैं, इस टाइम ब्रेकआउट आ चुका है ऑलरेडी और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, आप बाय कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और टारगेट्स एंड टाइम फ्रेम भी बता दीजिए एक बार फिर से। टारगेट्स आप इसमें, पहला टारगेट आप रख सकते हैं 66 रुपीज़ पर, और उसके बाद दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं 80 रुपीज़ पर। इसको कम से कम आप 2 वीक्स के लिए होल्ड कीजिए। ठीक है, 2 हफ्ते के हिसाब से का नज़रिया है और टारगेट्स आपको बता दिए हैं, लेकिन बढ़िया मोमेंटम आ रहा है। और इनफैक्ट मोमेंटम के साथ साथ फिर जो अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि जब एक उस जगह पे जो डिप के बाद में जो खरीदना होता है, जो जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा और फेवरेबल हो जाता है, शायद ये वाला भी लेवल है। तो ये 60 रुपये से वापस नीचे आकर के, आज का हाई 60 रुपये था, ऑल दो 58-52 रुपये, लेकिन बढ़िया अपॉर्चुनिटी और वो लगातार एक वो मोमेंटम दिख रहा है जिसके चलते खरीदारी की राय है। 2 हफ्ते का नजरिया है, लेवल्स आपको बता दिए हैं।